ठीक है, तो जब रोलर घूमेगा तो कर्व सरफेस एरिया ही तो घूम रहा है उसका, बाहर वाला एरिया ही तो घूम रहा है ना भाई। हाँ ठीक है भाई, तो सी एस एफ सिलेंडर क्या होगा? टू पाई आर एच, टू पाई आर एच आर एच। अब बताओ क्या करना होगा? वैल्यू पुट कर दिए पाई और पाई बटा 60 और पुट कर देंगे, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। अब देखें इधर ध्यान दो भाई, टू पाई की जगह क्या रखूं? 22 अपॉन 7। आर की जगह क्या रखूं? क्या रखूं अंशुमन आर की जगह? 42। और एच 120। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे होगा। 7 × 7 7 6, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 22 से, तो 44 इंटू में 6 इंटू में 120, यहाँ तक ठीक है। 44 इंटू में इसको कर दिया इससे 12 6 72, और ये 0 का 0 ले लिया। यहाँ तक आया समझ में राहुल? आया समझ में यहाँ तक? कहाँ से गड़बड़ हुआ वो बता मेरे को। काटा क्या ये? हाँ हाँ देखो यहाँ क्या काटा, पूरा हटाओ। चलो इसीलिए कहता हूँ भाई ध्यान दो, नहीं तो फिर छूट जाओगे पीछे। टू का टू हो गया, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह 42। ये देखो आर कितना था हमारा, 42 था। अब की एच 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 × 7 7 6 42। बस 42 टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 44 इंटू 6 इंटू 120। यहाँ तक ठीक है भाई? ठीक है ना यहाँ तक? 44 इंटू, इन दोनों को इंटू करेंगे 720। ठीक है, 12 6 72 और 0 का 0। अब 720 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 को 44 से 0, 4 2 8, 4 7 28, फिर से रिपीट हो जाएगा 8 और 8 और 2, तो ये 0 हो गया, 8 हो गया 6, ये 1 गया, तो 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3। कुछ इतना आया भाई? ये किसने बोला? 3000 बोला। ठीक है भाई यहाँ तक? ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। हमें क्या निकालना है भाई? रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशन लगाने के बाद कितना एरिया आया प्लेग्राउंड का, मल्टीप्लाई 500। तो अब देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अब देखो भाई ध्यान से, ये तो एरिया निकला इसका सिलेंडर का, ठीक है, ये रखेंगे मल्टीप्लाई कितने रिवॉल्यूशन? 500 वो रखेंगे। यहाँ तक आया भाई? ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? और अपॉन में रखेंगे क्या? या तो अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करो अपॉन में, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करो, 0 को पहले हटा लो, 168 5 से इंटू करेंगे, पहले समझ लो भाई, बाद में लिख लेना, टाइम दूंगा मैं। 5 8 जा 40 4, तो 5 6 जा 6 5 30, 4 34, 3 8 5 1 5 और 3 8 5 3 15। कुछ ये मिला? 515840, 10 ये जो छोड़ा था, 20 इसके छोड़े थे। यहाँ तक आया समझ में? ये प्लेग्राउंड का एरिया आया किसके अंदर? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में था, हमें चाहिए मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि मीटर स्क्वायर में एरिया दो। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए देखो क्या करेंगे, 2 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100
सेंटीमीटर, यहाँ बात स्क्वायर में चल रही है, ठीक है। तो डबल वार करेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट। बात आई समझ में, कितना आया 1584, अब हो गया ये मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको नोट करो भाई सर। साइंस